नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन के विषय में चल रहा था, तो आज हम एक अगला टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986। तो इसमें क्या बताया गया था कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कह लीजिए और बीएड के क्वेश्चंस में कह लीजिए, इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है और बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, देश आर्थिक तकनीकी विकास की उन अवस्था तक पहुंच गया है जहां सृजित परिसंपत्तियों का अधिकतम लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति का मुख्य साधन शिक्षा ही है। इन उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने जनवरी 1985 में घोषणा की कि देश के लिए एक नई शिक्षा नीति की रचना की जाएगी। विद्यमान शिक्षा की सघन समीक्षा देश भर में बहस कराकर की गई और जो समाज के विभिन्न वर्गों में बहस हुआ और उसका परिणाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के रूप में सामने आया। 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बदलाव करके बनाई गई है शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 13 इसमें बताई गई हैं और 10 के विषय में हमने इस पर मुख्य जो 10 विशेषताएं हैं उस पर मैंने विस्तृत जानकारी यहां पर प्रस्तुत की है। तो ये 13 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों, अलग अलग पॉइंट्स में आते हैं। पहला पॉइंट है प्रजातंत्र की शिक्षा। किसी भी देश के प्रजातंत्र की सफलता उसके देश के नागरिकों पर आश्रित होती है। जिस देश के नागरिक जितने अधिक शिक्षित चरित्रवान हों, अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जितने अधिक जागरूक होंगे, वहां की प्रजातंत्र व्यवस्था उतनी ही मजबूत और व्यवस्थित होगी। अतः शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक बनाने हैं जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को पोषित करने में अपना योगदान दे सके। दूसरा है राष्ट्रीय एकता व सर्वधर्म संभाव के लिए शिक्षा। भारत में अनेक धर्म जाति समुदाय विभिन्न भाषा भाषी एवं विचारधारा के लोग रहते हैं। शिक्षा के माध्यम से इन विविधताओं में एकता लाने का कार्य करना है। शिक्षा के माध्यम से उनमें ऐसे संस्कार डाले जाएं जो एक दूसरे को अलग न समझे और एकता का पोषण करें। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिससे उनकी भावना सभी धर्मों के लिए एक। इसलिए शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी में सर्वधर्म संभाव वो भरा जाए। अगला है समानता के लिए शिक्षा। शिक्षा ऐसी दी जाए जिससे बालकों में कोई भेदभाव न पैदा करे बल्कि उनमें समानता को जागृत करे। अमीर गरीब ऊंच नीच सभी को शिक्षा ग्रहण करने के समान अवसर मिले। समानता का दूसरा तात्पर्य सफलता प्राप्त करने के लिए सभी को समान अवसर दिया जाए। शिक्षा के द्वारा जन्मजात पूर्वाग्रह एवं कुंठाओं को नष्ट कर देना। नई शिक्षा नीति के अनुसार उन वर्गों एवं व्यक्तियों के शैक्षिक अवसरों पर विशेष ध्यान दिया जाए जो अब तक समानता के अवसरों से वंचित विषमताओं का शिकार हुए हैं। अगला है मानव संसाधन का विकास। एक देश के विकास के लिए कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। हमारे देश के व्यक्तियों में कमी नहीं बल्कि व्यक्तियों का अभाव है। इस तरह राष्ट्र के विकास के लिए मानव संसाधन कम पड़ता है। अतः मानव संसाधन का विकास करने के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा देना आवश्यक है। चूंकि भारतीय विचारधारा के अनुसार भारत एक अमूल्य संपत्ति एवं राष्ट्रीय धरोहर है, अतः शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के विकास की योजना बहुत सोच विचार कर बनानी चाहिए और सुनियोजित शिक्षा के द्वारा ही मानव संसाधन का विकास किया जा सकता है। सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण। हमारी भारतीय संस्कृति एक गौरवशाली परंपरा है। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में ऐसे भाव भरे जाएं कि वे अपनी संस्कृति के प्रति आदर भाव रखें और गर्व करें कि वे गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। शिक्षा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति का संरक्षण संवर्धन एवं हस्तांतरण कर सकें। समान शिक्षा व्यवस्था 10+2+3 के शिक्षा का ढांचा, मतलब 10वीं+2 साल 11वीं 12वीं, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन कोई भी कोर्स में।
शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण राष्ट्र में एक ही प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अनुसार सारे देश की शैक्षिक संरचना भी समान होगी। 10+2+3 के शिक्षा ढांचे को पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस ढांचे के पहले 10 वर्ष का विभाजन इस प्रकार किया जाएगा, 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर और 2 वर्ष का हाई स्कूल। इस तरह संपूर्ण देश में शिक्षा का समान स्तर होगा, तब उसके द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होगा। इस कारण समान शिक्षा व्यवस्था का होना जरूरी है, आवश्यक है। व्यवसायीकरण की शिक्षा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अनुसार बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होना एक कारण है, अतः आज व्यवसायीकरण की शिक्षा आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी अपने भावी जीवन में अपना जीवन यापन कर सकें और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए पाठ्यक्रम में ऐसे विषय रखे जाएं जिससे विद्यार्थी को व्यावसायिक शिक्षा मिल सके। नई शिक्षा के अनुसार उच्च शिक्षा के संदर्भ में प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक को समुचित अवसर प्रदान किया जाए और छात्रों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर अध्ययन के लिए भेजा जाए। इसके लिए विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं का सार्वभौमिक रूप स्थायी होना चाहिए। इस प्रकार देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी और देश का आर्थिक विकास होगा। अगला, शारीरिक तथा स्वास्थ्य शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से निरोगी तथा स्वस्थ नागरिक तैयार किए जाएं, जो देश के विकास में सहायक हो। स्वस्थ मनुष्य ही पैरों पर खड़ा हो सकता है और स्वाभिमानी बन सकता है। इसलिए देश में शारीरिक तथा स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपने जीवन को सफल बनाए और उनका जीवन उज्ज्वल हो। शारीरिक शिक्षण के साथ साथ ललित कलाओं का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति की भावनाओं का परिष्कार होता है और संवेदनशील बनता है। अगला, अनुसंधान एवं विकास पर बल। विज्ञान और तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास पर उचित ध्यान दिया जाएगा। देश के विभिन्न भागों में ऐसी संस्थाएं खोली जाएगी जहां पर उच्च कोटि का वैज्ञानिक अनुसंधान हो। इन संस्थाओं के द्वारा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए संसाधन मिल सके। और अंतिम है, शिक्षा का पुनर्निर्माण। शिक्षा के पुनर्निर्माण द्वारा शिक्षा में व्याप्त असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधन जुटाए जाएंगे और शिक्षा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। अतः उपरोक्त सभी कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताओं को दर्शाती है। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा की, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को दर्शाती है, नेशनल पॉलिसी पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इसे शॉर्ट में NPE 1986 पूछा जाता है। इस पर शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है और बिग क्वेश्चन भी आता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए बीएड के लिए। आशा है दोस्तों, मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।